नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 के पीएसटी के एडमिट कार्ड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 1 जून 2019 से डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए थे। तो दोस्तों, पीएसटी में जाने से पहले हम आपको पीएसटी प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप बताने वाले हैं, जिसके अंदर नंबर एक पर आता है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के अंदर आपको क्या लेकर जाना है और आपका ओबीसी सर्टिफिकेट किस तरीके के फॉर्मेट का चलने वाला है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका हाइट। दोस्तों, मेल के लिए कितनी हाइट चाहिए और फीमेल के लिए क्या हाइट होनी आवश्यक है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर तीसरे नंबर पर आएगा आपका वेट, मेल का कितना वेट होना चाहिए और फीमेल के लिए वेट लिमिट क्या है। फिर आपका चौथे नंबर पर आती है चेस्ट। तो दोस्तों, ये सभी प्रोसेस आपको स्टेप बाई स्टेप हम इस वीडियो में अंत तक बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पीएसटी में जाने से पहले आप एक बार वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देख लें, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। नंबर एक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना है। दोस्तों, नंबर एक पर आपको 10th और 12th इन दोनों की मार्कशीट और सनद, ये साथ में लेकर जानी है, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों, आपको आपकी जाति का प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, आपका ओबीसी का प्रमाण पत्र कुछ इस तरीके का होने वाला है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी तरीके का सेम फॉर्मेट लेकर जाना है। इसमें दोस्तों आपको ये इन्होंने इसमें संशोधन दिए हैं, यानी कि ये धारा इसमें जो लिखी गई है और ये सन लिखे गए हैं, ये आपके जो सर्टिफिकेट बना हुआ है ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप कहीं के भी रहने वाले हो तो ये आपको धारा उसमें देखने को मिलेगी, वो यही चेक करेंगे इसमें, ठीक है। ये काफ़ी धारा इन्होंने दी गई है, अलग अलग स्टेट के नाम की है। इसमें से कोई भी धारा आपके सर्टिफिकेट में अगर दिखती है तो दोस्तों आपका ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मान्य होगा, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर, फिर आपका आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसके अंदर इन्होंने ये इसमें संशोधन आदेश दिए गए हैं, यानी कि इसमें भी ये धारा दी गई है, ये भी आपको एसटी और एससी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं उनके फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। इसमें से कोई एक होनी आवश्यक है तो आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा। दोस्तों, ये केवल एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही बना हुआ होगा, आपका फॉर्मेट कैसा भी हो लेकिन ये धारा उसमें आपकी लिखी होनी चाहिए, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार के अधीन होने आवश्यक है। ये कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, नंबर एक स्टेट गवर्नमेंट का और दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही चलेगा, स्टेट वाले की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या लेकर साथ जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इसमें 10+2 यानी कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सनद। फिर दूसरे नंबर पर ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी या एसटी का सर्टिफिकेट, ठीक है, या कोई अन्य सर्टिफिकेट जिसमें आपकी जाति का उल्लेख दिया गया हो, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लेकर जाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो जर्नल वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए इस सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तीसरे नंबर पर आपको लेकर जाना है मूल निवास, ठीक है, यानी कि एड्रेस प्रूफ, ठीक है। इस एड्रेस प्रूफ का ऐसा कोई नहीं है कि ये स्टेट का अलग होता है या सेंट्रल का अलग होता है, ये सब आपका जो भी स्टेट का है या कहीं का भी हो वो सभी मान्य होंगे, ठीक है। ये जर्नल वालों को भी लेकर जाने हैं और ओबीसी एसटी सभी कैंडिडेट को अपना मूल निवास लेकर जाना है। फिर अब बात करते हैं आपकी फ़िजिकल मेजरमेंट की। नंबर पर आपका हाइट नापी जाएगी, जिसके अंदर जर्नल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की हाइट मान्य होगी, ठीक है। और गढ़वाली, गोरखा, डोगरा, मराठा, जम्मू कश्मीर राज्य से जो रिलेटिव हैं उनके लिए भी 162.5 सेंटीमीटर मान्य है। फिर दूसरे नंबर पर आपकी आती है महिलाओं के लिए हाइट। दोस्तों, जो जनरल कैंडिडेट की महिलाएं हैं या ओबीसी की, उनके लिए जो हाइट की माप दी गई है वो 155 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। और दोस्तों, जो गोरखा, डोंगरा, मराठा या नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर राज्यों से संबंधित है उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। फिर तीसरे नंबर पर आपकी आती है वजन की बात। दोस्तों, वजन यानी कि वेट में आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी हाइट नपेगी आपको वेट मशीन पर खड़ा कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपकी हाइट के अनुसार वेट देखा जाएगा,
लेकिन ये जो आपका यहाँ पर पीएचटी में वेट नपेगा, ये दोस्तों केवल पास करने के लिए है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको वेट की वजह से फिटनेस पर किसी भी प्रकार का शक होने के कारण या कम पाए जाने के कारण वजन आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें दोस्तों। ये केवल कद की आयु के अनुरूप शारीरिक मापन के समय वजन दर्ज किया जाएगा, यानी कि आपका केवल हाइट के अनुसार वजन लिख लिया जाएगा, परंतु वजन के कारण फिटनेस पर आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। वेट जो होगा आपका, जो एक्चुअल नापा जाएगा, वो आपका मेडिकल के समय नापा जाएगा, वहाँ पर आपको वेट के कारण फेल किया जा सकता है, लेकिन पीएचटी में आपको वेट के कारण फेल नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरे नंबर पर बात आती है आपकी चेस्ट की। दोस्तों चेस्ट के अंदर केवल पुरुषों के लिए इसमें आपकी 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको देना आवश्यक होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो एडमिट कार्ड दिया गया है उसके अंदर भी इन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं, यानी कि उसमें आपको बताया गया है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है, कितने फ़ोटोज़ और एडमिट कार्ड या डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज़ आपको लेकर जानी है। तो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या लेकर वहाँ पर जाना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इन्होंने एडमिट कार्ड के थर्ड पेज पर अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है, जिसमें इन्होंने 20 पॉइंट इसमें खोले हैं, यानी कि कुछ वार्निंग दी है और कुछ सजेशन दिए हैं। इसके अंदर पहले नंबर पर क्या है, इन्होंने कहा है ई प्रवेश पत्र पर दिए गए स्थान पर एक फ़ोटो लगाना है, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर एक फ़ोटो आपका लगा है और उसकी साइड में एक ब्लैंक फ़ोटो है, यानी कि फ़ोटो लगाने का स्थान इसमें दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो नवीनतम करंट का लगाना है, ठीक है, करंट में आपका पिछले 6 महीने का चल जाएगा। फिर दोस्तों सेकंड नंबर पर आपका आता है CISF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद हेतु 12वीं योग्यता, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास होना आवश्यक है, तो आपको इसमें 12वीं यानी कि 10+2 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सनद ये लेकर जाना आवश्यक है। फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 6:30 बजे का है और 7 बजे से आपकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। दोस्तों इसमें सुबह 7 बजे से लेकर आपको शाम के 5 भी बज सकते हैं, 6 भी बज सकते हैं, 7 भी बज सकते हैं, इनका कोई कंपलसरी या कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपको इतने बजे तक फ्री कर दिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसमें पाँचवा पॉइंट क्या कहता है, रिपोर्ट करने के समय आपको 4 फोटो, सभी मूल शैक्षणिक दस्तावेज आपको साथ लेकर जाने हैं और उन सभी का एक फ़ोटो सेट, यानी कि एक फ़ोटो कॉपी का सेट सभी डॉक्यूमेंट का आपको लेकर जाना है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा, यानी कि उसे आप खुद अटेस्टेड करेंगे, अपने साइन कर देंगे उस पर, ठीक है। फिर छठे नंबर पर आपका आता है आपको एक पहचान पत्र लेकर जाना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, ठीक है। फिर दोस्तों आप ये देख सकते हैं 16 नंबर पर इन्होंने कहा है कि आपको भर्ती स्थान पर 1-2 दिन रुकने के लिए अपना प्रबंध कर आना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया सुबह आपकी 6:30 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी जो रिपोर्टिंग टाइम है, और इसमें 5 भी बज सकते हैं, 6 भी बज सकते हैं और 7 भी बज सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगले दिन भी बुला लिया जाए, तो इन्होंने पहले ही इसमें अपना मेंशन किया हुआ है कि 1-2 दिन के लिए अपनी रुकने की व्यवस्था लेकर आए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि किसी भी ज़रूरी सूचना को आपके मित्र भी पढ़ लें। यानी कि भर्ती प्रक्रिया जो CISF हेड कॉन्स्टेबल 2019 से छात्र जुड़े हुए हैं उनके पास भी ये जानकारी पहुंच जाए, ठीक है ना। और दोस्तों हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ठीक है। फिर दोबारा मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ या किसी अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।